जी अस्सलाम वालेकुम नियाज़ इंटरव्यूज का हमेशा की तरह बाबर मलिक रहीम मलिक और हमारे पास एक सीनियर एक्सपर्ट, मैं तो सीनियर ही कह सकता हूँ, वैसे दोनों देखने में मेरे से बहुत जूनियर, लेकिन क्योंकि वो काम में बड़ी देर से मौजूद हैं तो मैं उनको उस हिसाब से सीनियर कह रहा हूँ। असद जहूर साहब भी मौजूद हैं और हम पिछले मेरे ख्याल में 1 वीक से ओलिव के ऊपर बात कर रहे थे, आज भी ओलिव पर ही बात होगी और मेरे ख्याल में उस हवाले से मैं सीधा स्टूडियो में से बैकग्राउंड में चला जाता हूँ। बाबर मलिक, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, आप जो पिछले वीक का प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू फहीम साहब। जी बिल्कुल, पिछले पिछले वीक में असद साहब ने बड़ी डिटेल में बड़ी इन डेप्थ जाके जो है हमें ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर ऑलिव की जो फार्मिंग है वो किस तरीके से हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, कितने बड़े एरिया पे हो रही है और अभी आगे भी कितना एरिया मौजूद है जिसपे ऑलिव की फार्मिंग की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट किस किस्म की चाहिए होती है और उसके अलावा इसके रिटर्न्स कब और किस तरीके से आते हैं। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है आज के प्रोग्राम से कनेक्शन जोड़ने के हवाले से। तो सब इसी इसी वहीं से कनेक्शन मेरे ख्याल से जोड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ हमने आखिरी एक बात की थी। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ऑलिव की जो सेक्टर है इसकी वैल्यू चेन के अंदर जो है, और फार्मिंग पे तो आपने बात कर ली बहुत डिटेल में आपने हमें बताया, और लेकिन इसकी अगली वैल्यू चेन जो है उसके अलावा उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए। जी शुक्रिया बाबर। जो ऑलिव की वैल्यू चेन जो है वो पाकिस्तान में इमर्जिंग है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि ऑलिव की प्रोडक्शन में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट जो कि ऑलिव के ऊपर बेस्ड हैं उसके साथ उनके अंदर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो साथ पैदा हो गई है। और वो प्रॉस्पेक्ट ऐसा है कि ये वक्त के साथ हम ये समझते हैं कि ये बढ़ती जाएंगी इसमें स्केल में और साइज में। मैं अगर आपकी बात को यहाँ से जोड़ सकूं कि ऑलिव को हम ये समझते हैं कि ऑलिव एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इस लिहाज से है कि जो जब ऑलिव को हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये अपनी उसी शक्ल में इस्तेमाल नहीं होता जिस तरीके से आप समझ लें कि दूसरे कुछ फल और हो सकते हैं, जैसे अगर आम है या किन्नू है या अमरूद है या बाकी जैसे बहुत सारे फल हैं, वो अपनी उसी शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, यानी वो मेज पे चले जाते हैं उसी शक्ल में और उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑलिव को अपनी उस शक्ल में इस्तेमाल नहीं होता, उसको या तो ऑलिव जो है वो तेल ऑलिव ऑयल की शक्ल इख्तियार करते हैं जिसके लिए प्रोसेसिंग तेल की जरूरत होती है, इन ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती है और फिर उसको प्रोसेस करके फिर वो शक्ल इख्तियार करता है जिसको के ह्यूमन कंजप्शन के लिए या बाकी कमर्शियल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर ऑलिव जिसको हम कहते हैं कि ऑलिव के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो भी जब इस्तेमाल होते हैं तो वो अपनी शक्ल बदल के, यानी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है जिसके बाद वो उस शक्ल में आते हैं। एक मिसाल आप ये समझ लें कि जो ऑलिव आपको आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, ये ना सिर्फ बाकी दुनिया के सारे मुल्कों में है बल्कि आप पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बड़ी तेजी से इसके इस्तेमाल में इजाफा कर रहे हैं। वो ऑलिव के वो रिंग्स की शक्ल है आपने देखा होगा, जो नमक के सॉल्यूशन में या ब्रिन सॉल्यूशन में जिसको कहते हैं, वो पिकल्स की फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा ऑलिव की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में खानों में इस्तेमाल हो रही है। वो आमतौर पर रिंग्स की शक्ल में होती है या उसके पूरे ऑलिव की शक्ल में होती है। आपने देखा होगा उसके अंदर आमतौर पर गुठली निकाल के तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फिलिंग भी कर दी जाती है, जो कि अब तो बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट इस तरह से बनने शुरू हो गए जिसमें जैसे इवन गार्लिक और बहुत सारी चीजें उसमें गुठली की जगह इस्तेमाल हो चुके हैं। कहने का मकसद यह है कि ये सारे जो शक्लें हैं ये भी सारी वैल्यू एडेड शक्लें हैं ऑलिव की, और इसकी मार्केट है जिसकी वजह से इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है। मैं आपको नाम गिनवाने के हवाले से बता दूं तो, और उस पर हम इंशाल्लाह मजीद आगे बात को बढ़ाएंगे।
सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है ऑलिव का वो तो ऑयल की शक्ल में है, जो कि आप भी कह सकते हैं कि तकरीबन 70-80% के दरमियान जो ऑलिव का इस्तेमाल है, जो प्रोड्यूस है, वो ऑयल की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो सबसे रिलेटेड जो ऑलिव की वैल्यू चेन है, जो ऑलिव ऑयल की आप उसको वैल्यू चेन या उसको एक आप वैल्यू एडेड का प्रोडक्ट आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद जिसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू एडेड टेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ पिकल्स और ब्राइन सॉल्यूशन के प्रोडक्ट के साथ साथ ये पूरी एक रेंज है जो कि दूसरी बड़ी आप उसको कैटेगरी में कह सकते हैं कि हाँ ये एक ऑलिव की वैल्यू चेन का एक और हिस्सा है जो कि कंज्यूमर तक जाता है। और फिर तीसरा जो है आप समझ लें कि कुछ बाय प्रोडक्ट भी हैं जो कि अब बड़ी तेजी से मकबूल हो रहे हैं, और वो ऑलिव की इकोनॉमिक्स में फल के अलावा पूरा ऑलिव का दरख्त है उसके बहुत सारे हिस्से हैं। मसलन ऑलिव की जो टी है या कहवा है वो दुनिया में भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है। उसकी वजह भी वही सारे बेनिफिट हैं, उसके जो फायदे हैं जो कि ऑलिव के साथ मुंसलिक हैं। और ये एक तीसरी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर तक डायरेक्टली शक्ल में जाता है, यानी ऑलिव के पत्तों को खुश करके उसको कहवे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ऑलिव की वैल्यू चेन में इवन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि बज़ाहिर नज़र में नहीं आते, लेकिन जब आपके पास ऑलिव की प्रोडक्शन है तो उसके साथ वो प्रोडक्ट भी बड़े एक स्पेशल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पर सामने आए हैं, जो कि एक मैं आपका जिक्र करता चलूं कि जो शहद है, आपको पता है शहद जो है वो भी, शहद की मक्खी जो है वो फूलों पे सारा अपना उसका जो रस है उसकी बेस पे शहद बनाती है। तो अब बड़े स्पेशलिटी किस्म के ऑलिव के शहद भी आ गए हैं जो कि ऑलिव के दरख्त के साथ जो फूल लगते हैं उसकी बेस पे लोगों ने खास तौर पे ऑलिव का शहद जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। ये जाहिर है कुदरती प्रोडक्ट है और इसके भी कुछ एडिशनल बेनिफिट है जो कि बाकी शहद में होने के साथ साथ कुछ और भी इजाफी भी उसकी जो खसूसियात हैं जो कि ऑलिव की वजह से हैं। तो मैं अर्जी करता चलूं कि ये 4-5 तो इस चेन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अच्छा, अब अगर इसको आपने वैली चेन का जिक्र किया, वैली चेन का मतलब मैं थोड़ा सा अर्ज करता जाऊं जो मेरी इसमें समझ है कि एक तो ऑलिव की वैल्यू चेन ये है कि लोकल मार्केट के लिए, यानी पाकिस्तान की आपको पता है 22 करोड़ की आबादी है और बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा है जो कि अब हेल्थ कॉन्शियस लोगों का है, जो कि ऑलिव की प्रोडक्ट्स की इफादियत को समझते हुए शिफ्ट कर रहे हैं बाकी प्रोडक्ट से, खा वो तेल हो, ऑयल हो, या वो दूसरे प्रोडक्ट हो। इवन जिसको कावा की हम बात कर रहे हैं तो वो कावा लोग ट्रेडिशनल ग्रीन टी से ऑलिव कावे पर बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक है लोकल मार्केट के हवाले से, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, उसका ये जो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं ये हिस्सा जो कि ऑलिव के महंगे प्रोडक्ट्स को भी अफोर्ड कर सकता है वो भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। तो ऑलिव की एक वैल्यू चेन तो डोमेस्टिक मार्केट में है, लेकिन दूसरी चीज जो कि उससे भी शायद ज्यादा जरूरी है मुस्तकबिल के हवाले से, उसका डायरेक्ट ताल्लुक उस इन्वेस्टमेंट के साथ है जो कि अब लोग इसको देख रहे हैं, और इसको वो है ऑलिव के बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। यानी ऑयल जो है खास तौर पे, जिस तरह हमने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है और वर्जन ऑयल है, यानी वो ऑयल जो कि प्रेस करके ऑलिव के फल को निकाला जाता है मॉडर्न मशीनों पे, ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट समझा जाता है दुनिया भर में, और इसकी बहुत अच्छी कीमत आपको हर दुनिया के मुल्क में जो है ना इसमें मिलती है। तो कहने का मकसद यह है कि ऑलिव प्रोड्यूस करने वाले मुल्क के अलावा दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे ऑलिव पैदा नहीं होता, लेकिन ऑलिव का जो तेल है उसको बहुत वक्त से बहुत देखते हैं, उसकी उसकी कीमत और उसकी वैल्यू समझते हैं। तो ये वो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू चेन है ऑलिव के साथ मुंसलिक, ये अब एक बड़ा पोटेंशियल है। और पाकिस्तानी ऑलिव के हवाले से भी जो हमने इसको अभी समझा है या देखा है वो ये है कि हम अब वो वक्त आ रहा है कि जब आपके पास इतनी प्रोडक्शन और इतनी वैल्यू एडिशन है और मजीद वैल्यू एडिशन होने की पोटेंशियल है, जिसकी डायरेक्ट टारगेट जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर 20-22 करोड़ में से आप सोचते हैं कि अच्छा चलें ये हो सकता है कि 50-60 लाख ऐसे लोग हों पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं करते,
जो कि इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इवेंचुअली, या उससे भी काम, लेकिन दुनिया में तो ये तादाद करोड़ों में है, और वो हर मुल्क जो कि ऑलिव को प्रोड्यूस नहीं करता वो एक टारगेट मार्केट है ऑलिव के वैली चेन के हवाले से, एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से। तो ऑलिव की वैली चेन जो है वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में है और ये साइजेबल है। तो ये है डायरेक्ट एक रीजन ऑलिव की समझने के इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिसको हम इस वक्त समझ रहे हैं। अब आ जाए अगर हम थोड़ा सा तफसील में जाना चाहें तो हम पहले ऑलिव ऑयल की हवाले से बात कर सकते हैं। बस सर मुझे थोड़ा सा मुझे रीकैप करने दीजिए और फिर मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा सवाल इसमें वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। जी रीकैप करने के हवाले से आपने बात ये की जी कि ऑलिव जो है वो फल के तौर पे, फ्रेश फ्रूट के तौर पे कंज्यूम नहीं किया जाता और इसको किसी ना किसी प्रोसेस फॉर्म में ही जो है वो काबिल इस्तेमाल है। ये आपने उसमें बताया ये कि जी वैल्यू एडिशन के हवाले से ऑलिव की पिकल्स बन जाती हैं, वो एक जार में डाल के वो पिकल के तौर पे प्रिजर्व करके सेल किया जाता है, उसकी गुठली उसमें से निकाल दी जाती है, उसके बाद उसको उस प्रिजर्वेटिव में डाल के एक जार में या किसी कैन में कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। तो दूसरी आपने बात की कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑलिव की वैल्यू एडिड वो ऑलिव ऑयल का है। तीसरी आपने जो बात की जो मुझे पर्सनली भी बड़ी मेरी पसंदीदा एक चीज़ है, वो आपने ऑलिव टी की बात की कि जहाँ पे ऑलिव के फल से हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, यहीं पे हम ऑलिव के पत्तों से भी जो है एक चाय के पत्तों में उनको कन्वर्ट करके उसको भी प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है, और चाय के तौर पर भी ऑलिव के पत्ते जो है ग्रीन टी के तौर पर भी ये पिए जाते हैं। आपने एक बाय प्रोडक्ट के हवाले से बात की कि ऑलिव के ऑर्चर्ड में ही फार्मर्स जो है वो हनी बीज अगर पाल लें तो वो भी एक वैल्यू एडेड और बेहतर प्रोडक्ट माना जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हनी। तो वो आपने बाय प्रोडक्ट के हवाले से बात की। आपने उसके अलावा बताया कि जहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री सेटअप होगी और ऑलिव ऑयल बनना शुरू होगा तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलिव बन नहीं रहा था तो हम दुनिया से ऑलिव ऑयल भी इम्पोर्ट करते थे। ये ऑलिव की जो आप पिकल कह रहे हैं ये भी इम्पोर्टेड पाकिस्तान में आम हर स्टोर पे, जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पे आम अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो वो जो इम्पोर्ट हम करते हैं उसको उससे हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लोकल ऑलिव की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने कहा कि जी ये एक्सपोर्ट की भी दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑलिव ऑयल की, तो हम उसको भी टैप इन करेंगे और उससे ज़रे मुबादला कमाएंगे। अच्छा असर मैं दो चीज़ें आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इन चीज़ों को अगर इस पूरी वैल्यू चेन की मैपिंग को हम यहाँ पे इस स्टेज पे रैप अप कर सके तो अगले स्टेज पे फिर जाएंगे। वैल्यू चेन में इनपुट सेक्टर में भी कोई अपॉर्चुनिटी का ये बताइएगा। और दूसरा अक्सर ये हम देखते हैं कि जो भी हमारी फूड आइटम प्रोड्यूस प्रोसेस होती है उसके प्रोसेस में जो वेस्ट निकलती है उससे भी कई दफ़ा बड़े प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम की गुठली में से जो है वो एक बड़ा बेहतरीन ऑयल निकाला जा सकता है जो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसी तरह हम कॉटन की जब प्रोसेस होता है कॉटन सीड में से जब तेल निकाल लेते हैं तो उसमें से जो खल निकलती है या जो उसका केक बच जाता है वो एनिमल फीड में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा इन दो चीज़ों को भी बताइए, मुझे लगता है कि ये दो एरियाज हमारे वैल्यू चेन के हवाले से रह गए। जी राइट, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बावजूद जो है वो फॉरवर्ड हिस्सा जो चेन का है उस पर बात इसलिए शुरू की थी कि ये ज्यादा बड़ी और ज्यादा रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस वक्त नजर आती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल बजाय तौर पर जिस तरह कहा ऑलिव के प्रोडक्शन से पहले यानी जो वैल्यू चेन का जो जो बेस है जो इनपुट साइड है ऑलिव के हवाले से उसमें भी सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इस वक्त जो है एग्जिस्ट करती है। एक का मैं सबसे पहले जिक्र कर दूंगा फिर मैं वो बाय प्रोडक्ट पे भी इंशाल्लाह आता हूँ जो आपने अभी जिक्र किया। ऑलिव के पौधे जो हैं इस वक्त वो भी ज्यादातर इम्पोर्ट ही हो रहे थे। अब जो है इतफाक से ऑलरेडी पाकिस्तान में अच्छी नर्सरीज जो हैं वो बन गई हैं, लोगों ने इसमें बड़ा साइजेबल इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे बाग बढ़ रहे थे। तो ऐसे पौधे जो कि अडॉप्टेड हों जिसमें कोई बीमारी ना हो,
जो कि अच्छी प्रोडक्शन देते हों, यानी वो जिसको हम टर्म्स में कहते हैं ना कि वो कमर्शियल वैरायटी हो, ट्रू टू टाइप हो, यानी जैसे उसका नाम है उसके सारे खास भी उस तरह के हों, तो इस तरह के पौधे बनाने जो हैं उसके लिए बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से नर्सरीज का काम जो है वो भी पाकिस्तान में हो गया। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि इसमें भी अभी मजीद गुंजाइश है, और ये भी एक अच्छी मीडियम साइज की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑलिव के प्लांट की भी सिर्फ नर्सरी लगा लें तो उसका बहुत बड़ा एक समझने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको, आपके नॉलेज में है कि जब आप एक नर्सरी लगाएंगे तो उसमें दूसरे फलों के और बाकी पौधे भी आ सकते हैं, तो इटसेल्फ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑलिव को और बाकी बागों को और बाकी फलों के लिए जो है वो सर्व कर सकती है, और इसकी पाकिस्तान में भी जरूरत है। तो ये तो गया एक जो कि ऑलिव को इनपुट सेक्टर के हवाले से एक वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा तरीका, ये उसी किस्म की नर्सरी है जिस तरह की पत्तोकी में लगी हुई है, या जिस तरह ये हमारी, हम वो जब जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो ये कॉर्नर पे एक नर्सरी सी आ जाती है जहाँ से हम अपने घर के पौधे लेके आते हैं, या ये थोड़ा सा डिफरेंट है? ये ऐसे भी कुछ लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इतफाक से इस वक्त मैं जिस नर्सरी के हवाले से बात कर रहा हूँ वो इसमें साइज में भी थोड़ी पड़ी है, और वो साइंटिफिक तरीके से जो बीमारी के बगैर जो फल इसके पौधे बनाने का जो अमल है ना वो बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह उसमें माहौल को यानी उसके टेम्परेचर को और हर चीज को कंट्रोल किया जाता है, उसमें बीमारी के दाखिल होने का कोई नहीं होता, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ नर्सरीज हैं जो कि पहले सिर्फ दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों में, जैसे आप समझ लें कि स्पेन और इसी तरह जो ऑलिव के बड़ी कंट्रीज हैं, इटली है, टर्की है, वहां पे तो एग्जिस्ट करती थी, हमारे पास नहीं थी। हाईटेक तो नर्सरीज आप कह रहे हैं? निस्बतन हाईटेक, और ये कोई ऐसी ऐसी कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन पहले ये इतफाक से हमारे पास नहीं थी क्योंकि ना एक्सपर्टीज थी ना ही पोटेंशियल लोगों को नजर आता था ऐसी की चीज का। अब वो पोटेंशियल सामने आ गया, और खपत है ना जी, जिस चीज की खपत होगी तो उसी हवाले से आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। जब आपके पास किसी चीज की खपत होती है तो फिर आप उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से जो है पैसे लगाते हैं, क्योंकि पैसे तो आपने लगाने हैं उसको रिटर्न करने के लिए, उसमें से आप नफा नफे के लिए, हर इन्वेस्टमेंट का यही बुनियादी मकसद होता है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ऑलिव की इस तरह की जो नर्सरीज हैं उसकी भी अभी एक वैल्यू चेन में गुंजाइश है, और हमने पिछले सालों में कुछ नर्सरीज हैं एक दो लगाने में हेल्प भी किया है, गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं जो ऑलिव की इस चेन में मुंसलिक हैं, एक दो लोगों ने बहुत साइजेबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसमें आए हैं। लेकिन जिसका मैंने अर्ज किया कि मजीद गुंजाइश अभी मौजूद है इसमें, इस हिस्से में, वैल्यू चेन के इस हिस्से में इन्वेस्ट करने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। और ये साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ये डिपेंड कर सकता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके बिजनेस के मकासद क्या है, ये मीडियम से लेके लार्ज स्केल दोनों तरह ये प्रोडक्ट हो सकता है। यानी अगर आप के पास जमीन अपनी हो तो, और इसके लिए क्योंकि जमीन ही चाहिए क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, बाग की नस्बत कम जमीन चाहिए, तो ये आप समझ लें कि करोड़ सवा करोड़ पाकिस्तानी रुपीज से लेके तो 4-5 करोड़ तक आप एक साइज वेरी करके तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये निस्बतन सेफ है क्योंकि आप एक दफा आपने पौधे बना लिए तो वो रूटीन पे सीजन पे बिकते हैं। अच्छा तो सिर्फ एक दफा बन जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसमें ऑलिव भी लगाए जाए, उसमें दूसरे चीजें, मतलब दूसरे जी बिल्कुल फल जो जिसकी डिमांड है उस लिहाज से उस तरीके से भी काम किया जा सकता बिल्कुल, जैसे आम के पौधे भी इसी तरीके से होता है, उसके लिए भी 12 महीने से 18 महीने का एक वक्फा चाहिए ना, जो उसको साइज में लाने के लिए कि फील्ड में जाके वो पौधे रख सकें। इसी तरह सिट्रस के पौधे जो हैं यानी किन्नू के, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लगते हैं, और उसके लिए भी नर्सरी की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एक से ज्यादा किस्म के फलों के लिए जो है वो भी उसी नर्सरी में एड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक बाबर आपने जिस तरह जिक्र किया ये चेन का वो हिस्सा है। अब आ जाए उस पर जो बाय प्रोडक्ट के हवाले से आपने बात की और दूसरे इस्तेमाल की बात की, यानी इवन जिसको आप कहते हैं ना कुछ वेस्ट जो होती है
उसका भी ऑलिव के हवाले से इस्तेमाल है। तो एक तो खैर जो है इसकी जो आप समझिए जो गुंजाइश मौजूद है वो ये है कि जब ऑलिव का ऑयल आप बनाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका उसके जो फल का जो फोक है वो जाहिर है बच जाता है, तो उसके लिए भी बाय प्रोडक्ट के हवाले से भी दुनिया में तो काम हुआ है, हमारे अभी नहीं है और ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं इसको इसलिए भी इस वक्त बहुत एम्फेसाइज नहीं करूंगा कि ये इसको मजीद समझने की जरूरत होगी और अगले साल दो साल में जब एक ही इलाके में बहुत सारा आपको इस तरह का कोक भी अवेलेबल होगा तो मुझे लगता है कि इसकी वायबिलिटी फिर मजीद होगी, क्योंकि अभी और इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं तो उस पर हमें मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर को फोकस करना जो है ना ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब हमने ये अक्सर देखा है ये केस स्टडी हमारी नोटोरियस जो शुगर इंडस्ट्री है उसके साथ ही हमने देखा है कि वो चीनी जब बनाते हैं तो वो चीनी के साथ बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स और भी बना रहे होते हैं, वो बिजली भी पैदा कर रहे होते हैं उसी शुगर केन से जो कि वेस्ट के तौर पे चीनी बनाने के अमल में निकलती है बाय। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट कर लिया हुआ है, इतना एडवांस कर लिया हुआ है कि उनको एक शुगर केन से ही सिर्फ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आती है और वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या ये भी पॉसिबल है कि वही इंडस्ट्री जो ऑलिव लगाने आए ऑलिव का ऑयल निकालने आए वही साथ एक बाय प्रोडक्ट का यूनिट लगा ले या ये अलग ही नहीं मुमकिनात में ऐसा है और लेकिन उसके लिए स्केल चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आप बाय प्रोडक्ट की बात करें इसके लिए अगर आपको बहुत बड़ा आपका ऑर्चर्ड है और आपके पास अपना ऑयल प्रोसेसिंग आपने यूनिट लगाया हुआ है तो आपके पास इतना फिर उसका वेस्ट निकलेगा कि उसके लिए आप इंडिपेंडेंट एड ऑन कर सकते हैं। मैं इसको इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं कहूंगा, ये एड ऑन है जो कि उसकी इकोनॉमिक्स को उसकी रिटर्न को इम्प्रूव करता है। जिस तरह आपने राइटली शुगर केन की मिसाल दी है, एक वक्त था कि जब शुगर मेन प्रोडक्ट था और बाकी बाय प्रोडक्ट जो है और एड ऑन प्रोडक्ट्स थे वो बहुत उनकी वैल्यू नहीं थी, तो सारी की सारी इकोनॉमिक्स जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट की वो चीनी की प्राइस पे होती थी, चीनी की प्रोडक्शन पे होती थी। लेकिन आज आप देखें उस एड ऑन की वजह से खा वो मोलेसिस से इथाइल एल्कोहल बनाने वाले जो यूनिट लगे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, फिर इवन आप समझेंगे शुगर केन मट के साथ जो कंपोस्टिंग के लोगों ने कर लिए उससे बहुत ज्यादा वैल्यू एड हो रही है। तो शुगर की पूरे यूनिट की जो आप समझने इकोनॉमिक्स है वो बहुत इम्प्रूव कर रही है। तो असद भाई और बाबर आप दोनों से ही सवाल होगा, ऑब्वियसली आप वैल्यू एडिड की बात कर रहे हैं, ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑलिव पे काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप उन्हीं पे बात डिस्कस कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑलिव ग्रो हो रहा है वो लोग कहाँ कहाँ बेचते हैं, कैन दे नॉट, उसमें जब आप वैल्यू एड की बात करते हैं तो यहाँ से बाय से जाके वो ऐसे इन्वेस्टर उन्हीं से लेके तो उसकी आगे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर कोई खुद ऑलिव की पूरी मतलब जगह पे लगाए तो उसको तो खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है तो वो कहाँ भेज रहे हैं और उससे आगे कौन से लोग जाके उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा इसको साथ लेके चले तो शायद थोड़ी आसानी हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा आपने आप जो बात की है इसमें हम बिल्कुल उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाबर जिस तरह ये बात है जिस तरह अभी फैन साहब ने जिक्र किया, देखें इस वक्त जो सेक्टर के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है और वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन जो जरूरत है और जो फौरी तौर पर कर सकते हैं और ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनका ऑलिव की प्रोडक्शन के साथ कोई फिलहाल ऐसी वाबस्तगी नहीं है, वो बुनियादी तौर पर ऑयल के हवाले से ऑयल प्रोसेसिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन की तो डेफिनेट एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे फार्मर्स तो ये नहीं कर रहे हैं लेकिन फार्मर्स नए हैं और इसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स है। तो मैं सबसे पहले तो इसका जिक्र करना चाहूंगा कि हमने जो इस वक्त इसको देखा है या जो थोड़ा सा टेस्टिंग पाकिस्तान में होगी है, अच्छा ऑयल एक्सट्रैक्शन के हवाले से भी दुनिया में जो इस वक्त मशीनरी अवेलेबल है और जो उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसमें अब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े छोटे स्केल पे भी की जा सकती है, यानी छोटी कैपेसिटी के ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी जो है
अब वो बड़ी कामयाबी से अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि एक अपॉर्चुनिटी तो ऑयल में ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि ऑयल से अदरवाइज ऑलिव से वाबस्ता नहीं है, लेकिन वो आए और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका प्रोड्यूस लोकल लेके तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के यूनिट जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिसका मैंने अर्ज किया, इसमें भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं स्केल की और इन्वेस्टमेंट की। हमने पीछे पिछले साल एक ऐसे ही वेंचर को थोड़ा सपोर्ट किया है इस प्रोजेक्ट में। उसका मकसद ये था कि अभी बहुत बहुत सारे छोटे फार्मर्स भी मौजूद हैं जो कि अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन तो उनके लिए फिजिबल नहीं है कि लगाएं, उनका जितना फल होता है लेकिन उनको फौरी तौर पे चाहिए कि वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने एक मोबाइल ऑयल फैसिलिटी का जो है ना तस्वुर और एक कॉन्सेप्ट जो है उस पर वर्क किया था। अब उसका मकसद ये था कि बजाय इसके कि हर बंदा अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन का यूनिट लगाए, एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट का हमने मोबाइल कर दिया उसके लिए ट्रक माउंटेड बना के। तो वो एक ऐसे इत्तेफाक से उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसी आई है जो जिनका अदरवाइज ऑलिव के प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने इसको देखा कि ये तो इसके अलावा भी वैसे ही एक बिजनेस के तौर पे बनता है, तो उन्होंने इसको इन्वेस्ट कर दिया और हमने खैर उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी किया। ये एक स्केल है, यानी का मकसद ये है कि अगर आप समझ लें कि 50-60 एकड़ का जो प्रोड्यूस है उसके लिए एक मोबाइल फैसिलिटी जो है वो वर्केबल हो जाती है, वायबल हो जाती है, और इस पे इन्वेस्टमेंट निस्बतन कम है। ये एक स्केल है इसकी। आप अगर मैं इसको मोटा मोटा क्वांटिफाई करना चाहूँ तो इवन मोबाइल फैसिलिटीज जो हैं, क्योंकि ऑलिव तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ पंजाब में ही अब ग्रो हो रहा है, तो ज्योग्राफिकली यानी जमीनी तौर पे फासले भी इन्वॉल्व हैं, तो ये एक अच्छा मॉडल अभी टेस्ट हो गया है और इस पे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है इस पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन समझ लें कि ये भी उतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं पाकिस्तानी रुपीज में बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर के जो आपके ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो उसको आसानी से अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन हम बात कर रहे हैं कि ये 15-20 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज के साथ जो है ना ये साइजेबली मोबाइल यूनिट जो है उसको किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो मैं थोड़ा सा रैंकिंग चाहता हूं, अगर आप कहते हैं आपने ऑलिव जो बड़े कारोबार बताए हैं वो प्लान बताए आपका, जिसमें एक ऑलिव की पिकल बनाने की बात आपने की है, दूसरा आपने ऑलिव ऑयल की बात की है, आपने ऑलिव टी की बात की है और आपने नर्सरी की बात की है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली देयर विल बी अ रेंज कि इस रेंज से इस रेंज में काम किया जा सकता है। इसमें से छोटे से बड़े के फ्लो में अगर आपने रैंक करना हो कि सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारोबार शुरू किया जा सकता है, फिर थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे नंबर टू पे कौन है, तो इन चारों को अगर इस तरीके से रैंक कर दे उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो जो व्यूअर्स बैठे हैं जो उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं अगर करना चाहता हूँ तो किस बारे में सोचूं, अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो फिर किस बारे में सोचूं। तो अगर वो रैंकिंग भी आप साथ करते हैं और फिर बाकी की बात जो आप कर रहे थे कंटिन्यू करें तो वो कॉन्टेक्स्ट में फिर आ जाएगी। जरूर, लेकिन अभी नहीं, मैं पहले इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं भाई इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं। ये जिस प्रोजेक्ट की आपने बात की है जो मोबाइल यानी के सो वो आपने 15 से मिलियन लाख की बात की, मतलब 15-20 लाख की बात की। मैंने 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की बात की है सारा कुछ इसमें डाल के, यानी 15-20 मिलियन की बात की है। ठीक है, यानी ये मीडियम स्केल की फैसिलिटी बन जाती है और इसकी रिटर्न जो होती है वो आपको इनिशियली स्टेट में मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ऑलिव सारी जगह पे मौजूद है, सिर्फ मोबाइल है वो ट्रक में ही जाएंगे, वहां से ही प्रोडक्ट लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके आगे जो भी वो तो डिटेल की बात है। सो इट कैन बी रीजनेबल एंड प्रॉफिटेबल, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं एज ए एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक ट्रक खरीदता हूँ और मुझे पता है कि मैं ट्रक लूंगा जिसमें वो सारा इक्विपमेंट भी लगेगा, समझ ले मेरा 1.5 करोड़ लग गया उसके ऊपर, तो उस सूरत में मुझे रिटर्न भी स्टेट में मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसकी कोई आपके पास कोई ऐसे फिगर्स हैं, इसको बेशक आप आगे ले आइएगा, लेकिन मैंने क्योंकि आपने एक मॉडल की बात की
तो मैंने सिर्फ उसको प्रूव करने की बात की, आगे आप इस पर बात करें। जी जरूर, श्योर। देखें, ये पिछले साल ही हमने इस तरीके के वेंचर को जो है वो टेस्ट किया है। वो जब ये पिछला सीजन गुजर गया था, ये पहला सीजन है जब इसके जो इकोनॉमिक रिटर्न है ना उसको सामने नंबर्स और अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन वो इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी किया, क्योंकि आजकल अभी सीजन शुरू, तो अगले 3 महीनों में इसके पूरे रिटर्न के रिजल्ट जो हैं वो इस साल का सारा एक्सपीरियंस है वो सामने आ जाएगा। तो लेकिन अगर तो ये साल में चल जाता है जैसे इसका 60-65 दिन तक ही इसकी ऑयल की क्रशिंग होती है, तो इतने टाइम में चल जाता है तो ये बेहतरीन इसके रिटर्न्स हैं जो हमारी अभी तक की कैलकुलेशन है। इसके अलावा इस पे जो दूसरा लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, वो ये है कि ऑयल की ऐसी प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो कि किसी मुनासिब लोकेशन पे आपने, जिस तरह बाकी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, आप उसको लगाएं और वो उस पे उसी तरह जिस तरह बाकी कारोबार होते हैं कि लोग आपके पास अपना फल लेके आए और आप उसको क्रश करके उनको दे दें। और उसके अलावा ये इसमें इससे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो मॉडल है जिसमें आपने अपनी फैसिलिटी लगाई और आपने मार्केट से फल खरीद के तो अपना ऑयल बनाना शुरू कर दिया, यानी आपका टोटल उस पर कंट्रोल होता है। उस कंट्रोल में आपका अपना ऑयल प्रोडक्ट है, जो भी उसका नफा है वो आपके अपने कारोबार में उसमें शामिल हो जाता है। तो इसकी जो गुंजाइश है ये भी मौजूद है इस वक्त। ये ऐसा यूनिट जो है, ये भी अगर मैं उसको मीडियम साइज यूनिट के हवाले से इसकी इकोनॉमिक्स या नंबर्स की बात करूं, तो ये कोई इतने का ये है, 2.5-3 करोड़ के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा यूनिट लग जाता है। जो मौजूदा हमारे पास नंबर्स हैं उस मशीनरी के हवाले से और बाकी सारी उसके लवाजमात जो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। और फिर बाबर जो रैंकिंग की बात की, इससे बाद एक और लेवल भी मौजूद है जो कि हम ये समझते हैं कि अगले सालों में उसकी भी गुंजाइश पैदा हो रही है। क्योंकि जिस तरह आपको याद है पिछली दफा हमने जिक्र किया था कि जिस तेजी से इसके बागात लग रहे हैं, हर साल 30-35% जो है वो फल में इजाफा हो रहा है और ये सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो अगर ऐसी चीज है तो वो जो इतना ज्यादा ऑयल का के लिए प्रोड्यूस पैदा हो रहा है उसकी जाहिर कन्वर्जन होनी और उसको ऑयल में होना है, तो अभी मजीद ऑयल एक्सट्रैक्टिंग यूनिट्स की जो है वो गुंजाइश मौजूद है और ये बढ़ेगी। ऐसी केस में अगले सालों में बड़े साइज के ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, जैसे कि बाकी दुनिया में है। क्योंकि आपको कारोबार में एक चीज तो पता है कि जब स्केल बड़ा होता है तो उसके साथ रिटर्न भी बेहतर होता है, यानी आपकी कैपेसिटी जब बढ़ती है मशीनरी की, तो उसके साथ साथ क्योंकि आपके कारोबार चलाने के जो ओवरहेड्स हैं वो तो तकरीबन ज्यादातर उतने ही रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपेसिटी बढ़ने से आपकी जो रेवेन्यू और जो उसका रिटर्न है उसके साथ वो बढ़ जाता है। तो स्केल, बहरहाल एक जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करते हैं, वो अवेलेबल बाकी दुनिया में है और हमारे यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगी, जो अभी हमने पहले बात की है। अच्छा, जो ऑयल के अलावा जो हमने बात की थी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, सॉरी आपने बताया कि जो मोबाइल यूनिट है तकरीबन 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होती है, जो मीडियम साइज फिक्स्ड यूनिट है आपने बताया 2.5 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होती है। ये भी आपने लार्ज साइज की बात की, इसकी सर कितनी रफली इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल में होगी? ये अभी तक इस पे, और मैं बता दूं कि लार्ज स्केल में एक और एडिशनल टेक्नोलॉजी और या फैसिलिटी होती है जो हमने पिछली दफा बात किया था ना कि जी पहले वर्जन ऑयल के साथ साथ जो उसके फोक से जो तेल निकालते हैं जिसको पोमिस ऑयल कहते हैं, वो उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो केमिकल तरीके से होता है। उसके लिए स्पेशलाइज मशीनरी होती है और वो आमतौर पर उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो इस तरह है कि वो बड़े स्केल पर ही वायबल होती है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। लेकिन उससे ये है कि जिस तरह आपने अभी शुगर केन की बात की थी, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो सारे यूनिट की बेहतर हो जाती है, बिकॉज 6-7% ऑयल जो आप एडिशनल निकालते हैं बास केसेस में इससे भी ज्यादा, तो वो सारे का सारा जो पॉमिस ऑयल है उसकी भी क्योंकि बहुत वैल्यू आपको मार्केट में मिल जाती है, तो इकोनॉमिक्स जो है बड़े स्केल की इन्वेस्टमेंट को, इसको हम ऑयल
प्रोसेसिंग के साथ ऑयल रिफाइनिंग का यूनिट इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में उस हवाले से एड ऑन हो जाता है और डिफरेंट हो जाता है। इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसकी टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी अभी को कैलकुलेशन पाकिस्तान के हवाले से तो कम से मैंने नहीं की, अगर किसी और ने की हो तो, लेकिन ये साइजेबल इन्वेस्टमेंट है, ये हम 15 से 20 करोड़ की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपए के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। जी आप अच्छा, ऑयल से आगे बढ़ रहे थे तो बात पे आ रहा था कि तो आपकी जिसपे हमने किया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के हवाले से, अच्छा ये जो है ये बड़ी यानी समझ लें कि छोटे स्केल से कॉटेज स्केल पे भी हो जाता है ऐसा काम, जिसको हम स्मॉल साइज कहते हैं उस पे भी ये पॉसिबल है और मीडियम साइज पे भी मुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ जो कि ऑलिव के टेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी ब्रांड सॉल्यूशन पे और बाकी और उसके साथ क्या और ये सब ऐड ऑन भी हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपसे और ऐड के बोलूं तो थोड़ा सा कॉटेज को स्मॉल को और मीडियम को डिफाइन भी कर दे ताकि जो लोग वाकिफ नहीं है इन टर्मिनोलॉजी से उनको अंदाजा हो जाए कि कॉटेज का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब क्या है। जी ठीक है, कॉटेज का मतलब तो हम ये कहते हैं कि जो जैसे आप अपने एक अपने घर में शुरू कर लिया या एक बहुत छोटे स्केल पे किसी कारोबार को किया तो ये भी मुमकिनात में है इसके हवाले से, यानी घरेलू से जो पिकल बनती है वो जो, जी मैं पिकल की उसकी बात कर रहा हूँ, दो चार छोटी छोटी मशीनें हैं और वो आप ऐड कर लें तो आप उसके साथ ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और ये आप समझ लें कि जो बाबर जो कॉन्सेप्ट है ना स्पेशलिटी प्रोडक्ट का, कि आप स्केल नहीं कर रहे लेकिन आप उसको अपनी जाती तवज्जो के साथ और इन छोटी छोटी मशीनों के साथ आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको लोकल हाई एंड पे और इवन एक्सपोर्ट में जो है वो आप करते हैं, और ये दुनिया में भी ऐसा होता है। ये अपॉर्चुनिटी ऑलिव में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। दूसरा जो स्केल है जो जिसको हम कमर्शियल स्केल कह सकते हैं या स्मॉल स्केल कह सकते हैं कमर्शियल में, ये आप समझ लें कि बकायदा आप समझ लें कि कारोबारी इदारा आपने बना लिया और आपने उसी तरीके से जैसे फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस होता है उस हवाले से आपने प्रॉपर तरीके से सारे जो है ना उसमें ए टू जी सारी मशीन भी लगाई और एक प्रेमिसेस पे जाके आपने उसको इस कारोबार को अच्छे तरीके से करने वाला जो मॉडल है उस पर आप चले गए। इस पे स्मॉल को मैं डिफाइन करूं तो ये थोड़ा सा हर एक जगह पे स्मॉल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं जब स्मॉल की बात करता हूं तो यही कि जिसमें आपको 5-7 बंदे आपने सिर्फ रखने की जरूरत है और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 40-50 लाख रुपया है और अगेन उसके हवाले से समझ लें कि ये स्केल है इसकी हम बात कर रहे हैं स्मॉल। और इसी को मीडियम पे ले जाए तो ये 2.5-3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज्यादा कैपेसिटी के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से, जिसमें फिर आपकी ज्यादा एड ऑन हो जाते हैं आपकी टेस्टिंग की लेबोरेटरी से लेके बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, फुली इक्विप्ड होते हैं और उस केस में फिर आप एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट जो है उसको आसानी से बना रहे होते हैं, जो कि ऑलिव के केस में भी इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ हो। जी मैं मेरे से सिर्फ इसी से बाबर एक सवाल कर लो फिर आप इसे कैरी ऑन करेंगे। जो आपने मुझे इसलिए इसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन लग रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन 40-50 लाख 5-10-15-20 लाख बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की चीज़ों करने में। सो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड है कि जितने बिग नंबर्स इसमें जाएं, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि ऑलिव एक तो बहुत सारे लोग इसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ग्रो भी हो रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर होगी क्योंकि पूरी दुनिया में ऑलिव जो है वो बड़े हैवीली यूज होता है, स्पेशली जब वहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जरूरत है और ऑलिव ऑयल अगर हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर हमारी मटेरियल है तो मेरे ख्याल में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। सो मेरा जो सवाल है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अगर से स्मॉल इंडस्ट्री 40-50 लाख की लगाना चाहता है तो उसको उन स्पेसिफिक एरियाज में जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा ऑलिव मौजूद है या उसे कहीं भी लगा सकता है, और अगर वो एरियाज हैं तो या अभी आप बता सकेंगे या आगे आने वाले दिनों में हम उन एरियाज को थोड़ा सा हाईलाइट करें कि जिस जिस पार्ट में जिस जिस तरह के लोग हैं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन दी जाए
फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सपोर्ट है या टेक्निकल नॉलेज आप लोग तो मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको अगर हम एक सही रास्ते पे डाल सके तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कर रहे हैं, बाकी आप लोग उनको आगे लेके चले। जी बिल्कुल ठीक है, मैं मुख्तसर आपको अर्ज कर दूं कि बिल्कुल ये जो आपने जिस इसमें एक तो जाहिर है ये कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो हमने बात की है दो तीन अपॉर्चुनिटीज इस हवाले से बिल्कुल इसमें इसके साथ मैच करती हैं इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन एक और जो मुमकिन में चीज होती है, मुझे नहीं पता है इस पे आप कैसे सोचते हैं, लेकिन आप पता है कारोबार में बहुत सारे लोग इस पे आ जाते हैं कि फिर वो दो तीन लोग मिलके पार्टनरशिप में भी इस तरह के कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो कि फिर उसको ज्यादा एक वायबल इन्वेस्टमेंट बना देता है, जो कारोबार की जितनी जरूरत है वो उसको पूरा कर रहे होती है इतनी इन्वेस्टमेंट। ये तो एक पहलू था और इसका मजीद किसी वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे ज्यादा, आपको तफसीलन इंशाल्लाह मैं इस पर कुछ बताने की पोजीशन में होऊंगा। लेकिन जो दूसरा आपने जिक्र किया है, जी बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट भी अवेलेबल है, बाबर के इल्म में भी है, इस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट भी इस पे एक प्रोजेक्ट जो है वो इसको कंसिडर कर रही है जिसमें ऐसे कारोबार करने वालों के लिए इमदाद जो है वो शामिल करने का इरादा है और वो अंडर कंसिडरेशन है। इसके अलावा जिस तरह मैंने अर्ज किया हमारा जो जिस इदारे के साथ मैं इस वक्त मुंसलिक हूँ ये तो खैर प्रोजेक्ट है, ये इसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि टेक्निकल हेल्प देने में भी ऐसे कारोबार में बिल्कुल इमदाद करते हैं, हेल्प करते हैं टेक्निकली और कुछ फाइनेंशियली भी, ऐसी चीज़ें मेरे होराइजन पे हैं कि शायद वो आएंगी आने दिनों में, तो ये मुमकिन भी हैं। तो इसमें बात वही है कि वो खास ऑलिव के लिए नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के हवाले से हैं तो वो उसके लिए ऑलिव भी जो है वो क्वालिफाई करता है, तो जैतून के लिए भी जो है वैसे ऐसे कारोबार के लिए इंतजार है। मैं फिर सर एक सवाल मैं क्लैरिटी असद साहब की बात पर लेना चाहता हूँ, जो असद साहब जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट है जो यूएसएड ने फंड किया हुआ है और वो जो दूसरे इदारे की रेफरेंस दे रहे हैं वो भी एक यूएसएड फंडेड प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान में जहाँ गवर्नमेंट इस किस्म की सपोर्ट देती है, स्मीडा टाइप के इदारे भी देते हैं, जिस प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट की वो बात कर रहे थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसमें सपोर्ट देने जा रहा है, अफसर साहब की जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएसएड वो भी है और दूसरी भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट वगैरह इस किस्म की सपोर्ट अवेलेबल करते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि शायद सुनने वालों को अगर डायरेक्टली नहीं है तो वो मैं बता दूँ कि अफसर साहब यूएसएड के प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। जी प्लीज फ्रेंड से बात, मेरा इसी से थोड़ा सा हटके सवाल था, वो ऑब्वियसली जब किसी भी बंदे को जाना है तो वो इसकी डिटेल में जाएगा, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने वो सपोर्ट किए जो यूथ को सपोर्ट करने की बात की है कि अगर वो प्रोजेक्ट लगाएं और वो सारा कुछ करें, तो मैंने कुछ पिछले प्रोग्राम्स देखे थे यूथ की सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है कि अगर उनको पैसे गवर्नमेंट से अगर लेने भी हैं तो उन्होंने लगाने का है। कोई कहता मैं दुकान खोलूंगा, कोई कहता मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, किसी भी बंदे ने मुझे वो मैंने कुछ तीन चार प्रोग्राम देखे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी यूथ को आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है और इसमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे बहुत सारे लोग एक बिग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करने जा रही है तो आपने बिजनेस कहाँ पर करना है, और जबकि पाकिस्तान में वैल्यू एडिड पे बहुत बड़ा काम हो सकता है, बाहर से इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, लेकिन जो यूथ वहाँ पे बैठी हुई है उनको पता ही नहीं, अगर गवर्नमेंट भी इससे फॉर एग्जांपल कहीं सपोर्ट करती है कुछ वो अपना कैपिटल लगाते हैं तो उनको पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, और बड़े पढ़े पढ़े लिखे नौजवान हैं और उसमें उनमें से बहुत सारे लोगों के तो ये थे कि कहीं गवर्नमेंट दे भी रही है तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कैसे उसको प्रोसेस करें, ये इसी तरह की बात है। और वही मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज की कमी है, लोग किसी और चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा जो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास नौजवान भी हैं पैसा भी कमाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक तरह से लाइम लाइट हो सकते हैं। जैसे असद भाई ने कहा यहाँ पे भी हम अक्सर बात करते हैं, जैसे असद भाई कह रहे थे कि लोग कंसोर्शियम बना लेते हैं 15-20-30-40 लोग मिलके
एक तरह की इन्वेस्टमेंट करा के कंपनी करके एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, सो उस तरह की अपॉर्चुनिटी भी है और उसकी रिटर्न भी अच्छी होगी। मेरा सवाल मुझे निगल कर रहा है, मैं इसके बाद आप लोगों को छोड़ दूंगा। ये जो आप अभी ऑन बात कर रहे थे वैल्यू एडेड में, ये जो आपने पिछले प्रोग्राम में मुझे याद है आपने जिक्र किया था कि ये जो ऑलिव ट्री है, इसको क्योंकि हम स्पेसिफिकली ऑलिव पे बात करें, इसमें मैं ऑलिव करूंगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वैल्यू एडेड हो सकती है, लेकिन ऑलिव पे तो ये कहते हैं कि 200-250 साल चलता है, तो जो इसका फल है वो क्या 6 मंथली है? और जो आपने जैसे बाबर जिक्र कर रहे थे कि जो उसकी टी बन रही है वो बड़ी जबरदस्त है, हेल्थ कॉन्शियस भी है, तो वो दोबारा ग्रो होती है, उसका कोई सर्कल है? अगर है तो थोड़ा सा बता दीजिए, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। जी जी सब दोनों दो चीजें हैं। एक तो आपको मैं पहले जवाब दे दूं कि ऑलिव का जो फल है वो साल में एक ही दफा लगता है, और पाकिस्तान में जिस तरीके से है ये आप समझ लें कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से या पहले हफ्ते से आमतौर पे इसकी जो कहते हैं ना, जिसको उर्दू में कहते हैं कि बर्दाश्त का वक्त आ जाता है, यानी फल उतारने का, हार्वेस्ट करने का टाइम शुरू हो जाता है, और ये कुछ केसेस में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो है ना ये फल हार्वेस्ट होता है, ज्यादातर इस हिस्से में हो जाता है। तो एक ही दफा साल में होता है और ये सितंबर में होता है, और ये सारे का सारा फल जो है इसको फिर फौरी तौर पे इसको या तो ऑयल में कन्वर्ट होना होता है या फिर इसके जो बाकी इस्तेमाल हैं उसके लिए जाना होता है। ऑयल के लिए जरूरी है कि फौरी तौर पे इसको किया जाए, उस केस में ऑयल की जो क्वालिटी है वो जाहिर है उस पर मयसर मुनसर होती है, इसलिए वो फौरी तौर पर इसको करने की जरूरत होती है। लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो तो लोग एक दफा फल को उतार लेते हैं तो उसके बाद उसको रख लेते हैं अपने सॉल्यूशंस में, और फिर ये 3-4-5-6 महीने थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन इस पे मुमकिन होती है, तो वो उसका आपके पास गुंजाइश होती है ऐसे यूनिट को पूरे साल चलाने के लिए। तो रही बात कंसोर्शियम की, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया है। कंसोर्शियम्स हमारे यहाँ क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ऐसा नहीं होता, तो इसलिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो थोड़ी सी जिसमें इन्वेस्टमेंट, और मैं खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा, आमतौर पर इसके लिए स्किल की भी जरूरत होती है, और वो जब आप कंसोर्शियम में हो तो वो स्किल्स अवेलेबल हो जाता है, एक से ज्यादा लोग होंगे तो एक दो इससे ज्यादा स्किल भी रिलेटेड आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस एरिया में अभी इतना ज्यादा पाकिस्तान में काम नहीं होता। रही बात उसकी जो आपने टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से बात की है, आपने बिल्कुल सही कहा, बाज का मालूमात ना होने की वजह से इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं हो रही, और ऑलिव भी उनमें से एक है। मालूमात के अलावा जो 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 टेक्निकी चीजें हैं ना जी रिलेटेड, और इवन ये बात कि इस कारोबार में रिटर्न्स क्या हैं, ये भी कुछ इदारे तो काम कर रहे हैं लेकिन इसमें मजीद बहुत करने की जरूरत है। क्योंकि जो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, यूथ जो है ना उसको खाली पैसे के साथ साथ इन चीजों की भी जरूरत है, और जब पैसा अवेलेबल भी हो, जैसे इस वक्त भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और आपके नॉलेज में है, पूरे मुल्क में अवेलेबल हैं, वो आगे जाके रिजल्ट इसलिए नहीं ला पाते हैं कि ये जो बाकी अवामिल है जिनका आपने जिक्र किया है ये अभी तक सिस्टम में मौजूद नहीं है, और जहाँ पे मौजूद हो जाते हैं वहां पे वो कामयाब है, बाकी केसेस में वो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो भी अपनी इफादियत पूरी तरह नहीं कर पाते, और यूथ जो है वो बेचारे अपनी जगह। देखें ये बात तो मेरा ख्याल है कि समझने की जरूरत है कि जो यूथ का है खासतौर पे जो ऐसा सेगमेंट है वो जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकले या अभी तो उनके अंदर तो ना तो इतना तजर्बा हो सकता है और ना ही उनको उस पर दस्तरत हो सकती है जो बहुत सारे अवामिल कारोबार के लिए चाहिए। तो इसलिए जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि आप उनको उनका हाथ पकड़ें और उनको इस अमल से गुजारें, और उसके लिए जो उनकी रहनुमाई करने की जरूरत है, जो उनको टेक्नोलॉजी और इसमें हेल्प करने की जरूरत है वो आप उनको फराहम करें, तो फिर वो अपना शुरू का सफर जो है उसको जब कामयाबी से कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ जाती है और वो एक कामयाब कारोबार में कर लेते हैं। हम बात थोड़ी सी अब जनरल करेंगे, जाहिर है ये एक अवामिल हैं जो कि पाकिस्तान की हद तक कभी ये समझा जाता है कि बाकी कुछ ममालिक
मैं तो शायद हमसे बेहतर इस तरह का निज़ाम मौजूद है कि सपोर्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ भी इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। कुछ इदारे हैं जो बाबर के नॉलेज में भी हैं पाकिस्तान में, और वो कर रहे हैं काम, लेकिन इसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। एक जो तरीक़ेकार है जो कि बहुत पहले तो नहीं था, अब शायद कुछ लोग इसमें आ रहे हैं, वो प्राइवेटली भी इस तरह की चीज़ों को करने के लिए जो है वो आ गए हैं, और वो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, क्योंकि वो उनका सारा दारोमदारी इस चीज़ पे है कि वो ऐसी मालूमात और ऐसी हेल्प जो है वो जब प्रोवाइड करते हैं तो उनको उनकी अपनी कामयाबी का उस पे निसार है कि कितनी कामयाबी से वो इस तरह के मालूमात जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन आपने जैसे कहा, मैं इस पर ही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें अभी जरूरत है, और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से जो मैंने देखा है, कुछ बुनियादी चीजें जो कि हमारे माहौल में है, हमारे निजाम में है, वो क्योंकि उसको उस तरीके से समझना उनके लिए शुरू में चैलेंज होता है, तो और भी जरूरत है कि उनको इस तरह की इमदाद जो है वो अवेलेबल हो। तो जी असद, बिल्कुल, यूथ को, ओवरसीज पाकिस्तानी को एडवाइजरी सर्विसेज अवेलेबल की जाए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जाए, तो वो बेहतर, उनकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। खाली पैसे की इमदाद दे देने से या सब्सिडीज दे देने से शायद मसले का हल नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से, क्योंकि मैं वो अपने तो अपने अपने एजेंडा के तहत चल रहा हूँ। आपने हमें बताया कि जी ऑलरेडी फूड सेक्टर में नर्सरीज में बड़ी अच्छी गुंजाइश मौजूद है। ये नर्सरीज जो है, जो हाईटेक नर्सरीज है, ये बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट से स्मॉल टू मीडियम साइज आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए है। उसके बाद आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की, जिसमें मोबाइल यूनिट जो है वो मीडियम साइज से वहाँ से शुरुआत होती है। एक फिक्स यूनिट जो कि एक जगह पे जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकालता है, वो मीडियम साइज में आपने बात की। और लार्ज साइज यूनिट अगर आप लगाते हैं तो उसमें ना सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकलता है बल्कि पॉमस ऑयल भी निकल जाता है, और उसमें मजीद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। तीसरी जो आपने बिजनेस की बात की, वो आपने की ऑलिव की जो पिकल्स हैं, कि वो फ्रेश फ्रूट को जो है वो लिक्विड में जाके सेल किया जाए, और आपने बताया कि ये कॉटेज लेवल पे भी हो सकता है। बुनियादी तौर पे वो उसको बीज को बीज में से निकाल के, तो वो जो उसका फ्रूट है उसको किसी प्रिजर्वेटिव में पैक कर लिया, तो वो एक पिकल तैयार हो जाता है। तो आपने कहा ये कॉटेज लेवल पे भी किया जा सकता है, ये स्मॉल लेवल पे भी किया जा सकता है, और ये मीडियम लेवल पे भी किया जा सकता है। ये बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन थी, बड़ी रैंकिंग एक तरीके से हो गई। हमारी जो चौथी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आपने जिसका जिक्र करते इस प्रोग्राम के शुरू में, वो ऑलिव टी है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा टाइम खत्म हो जाए और ऑलिव टी रह जाए, क्योंकि मेरी पसंदीदा भी ऑलिव टी है, आपको पता है। तो इसके बारे में भी बताइए कि इसके ये कैसे होता है, ये कितना बड़ा सेटअप चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं आपको कहवा दोबारा ऑफर करूं, तो आपकी ये जो तलब है ये तो जल्दी इंशाल्लाह इसको अब वीकेंड आएगा आपकी तो लेकिन इस पे जो है आपके बात को मैं जवाब दे दूं कि बाबू ये भी जो है वो स्मॉल स्केल पे मुमकिन है। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी साइज की इन्वेस्टमेंट है जो कि कैवे की पैकिंग मशीन के हवाले से, जो जो इसका बुनियादी काम है ना, जो पत्तों की रिहाइड्रेशन के साथ उसको कैवे में उस शक्ल में लाने की बात है, ये बहुत छोटे साइज की इन्वेस्टमेंट के साथ है। अब आपको पता है ये सोलर टनल्स बन सकते हैं बड़े आसानी से, और वो उसकी जो जो जरूरत है वो सोलर पैनल और उससे पूरी हो जाती है, बड़े मतलब आप समझते हैं कि नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट के साथ ये सेटअप लग जाता है। लेकिन उसके साथ अगर आपके पास साशेस की और दूसरी पैकिंग मशीन हो तो आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट ऑफरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं इसको क्वांटिफाई करना चाहूँ, जाहिर है इसमें मेरी इस वक्त जो मेरे जहन में है वो बुनियादी तौर पे एक सोलर टनल और उसके हवाले से डिहाइड्रेशन का छोटा सा सेटअप और प्लस उसके साथ विद पैकिंग मशीन, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि ये 25-30 लाख के साथ ये बड़ी आसानी से हो सकता है। और स्मॉल एक एक और कॉम्बिनेशन जो है वो जिस तरह हमने बात की, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का है ना, हमने कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, ये कॉम्बिनेशन भी हो जाता है कि आप पूरे प्रोडक्ट्स बनाएं साथ इसके कहवा भी बनाएं, तो आपके पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है
नस्बतन एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप पूरा वैल्यूएटेड का यूनिट जो है उसको लगा सकते हैं, और इसमें आप लोकल और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट की जिस तरह हमने बात की कि वो पॉसिबिलिटीज इसमें है। सो मैं जरा समझना चाह रहा हूँ आपकी इस बात को, जब आपने कहा कि सोलर टनल में, तो इसका मतलब है वो कि भाई आप सिंपल सी वो सूरज के नीचे जो है वो प्लास्टिक की टनल लगा दें, तो आप प्लास्टिक का शॉपर लगा के या कोई मटीरियल लगा के ताकि सूरज की शुआएं जो है वो पत्तों पे पड़े और पत्ते ड्राई हो जाए, इसी की बात आप कर रहे हैं या इससे कुछ थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? जी मैं इसी की बात कर रहा था, इसमें बस सिर्फ जो 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 मेरे जहन में तसव्वुर था जो शायद यह है कि इसके साथ साथ छोटी छोटी एडिशन हैं कि आप उसके अंदर आपको वही उसी सोलर एनर्जी से चलने के लिए आपको एक उसमें पंखे भी आप लगा देते हैं ताकि वो टेम्परेचर जो है और मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन जिस तरह हम इस पे बात कर सकते हैं, ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और बड़ा सेटअप नहीं है। इसके साथ जिस तरह हमने बात की कि अगर वो पैकिंग मशीन भी आपके पास हो तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। ये तो फिर कुछ छोटे फार्मर्स जो है, जो 2 एकड़ 4 एकड़ के फार्मर्स हैं, वो अपना अगर ऑलिव का फ्रूट बेच भी दें तो वो उसके पत्तों पे तो अपने फार्म पे ही बड़ा छोटा सा सेटअप लगा के मेरे ख्याल से काम कर लेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा। तो बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो ना होने की वजह से ऐसी चीजें नहीं हो रही थी, और ये और कोई इसमें मुश्किल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, कोई ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी शायद ट्रेनिंग वगैरह और कोई एडवाइजरी सपोर्ट मिल जाए तो लोग ज्यादा बेहतर इसमें काम करते हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं एक एक सवाल मुझे बड़े शुरू से प्रोग्राम के तंग कर रहा है, आपको पूछ लेते हैं। आपने कहा जी कि ऑलिव का फ्लेवर, अनलाइक मैंगो, अनलाइक गुवावास, अनलाइक ऑल द अदर फ्रूट्स, ऑलिव तो ऐसे नहीं खाया जाता, विच मीन कि जिन लोगों ने ऑलिव के ऑर्चर्ड लगा लिए हैं वो एक रिस्क भी है उनके लिए कि जब तक कि आगे फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो वो तो फल तो उसकी कोई उसकी डिमांड ही नहीं है क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, तो ये एक रिस्क है। इसके अलावा ये इस रिस्क को भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें, लेकिन इसके अलावा भी कोई रिस्क है इस पूरी वैल्यू चेन में जिनको हाईलाइट होने की जरूरत है? बड़े बड़े रिस्क क्या है जिनसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट या ये वैल्यू चेन में कुछ फेलियर के चांसेस हो, और फिर भी बताइए कि उन रिस्क को कैसे रिवर्स किया जा सकता है या की सक्सेस फैक्टर्स आपके क्या होंगे, तो इस पे थोड़ी सी अगर आप बात करें। नहीं, बहुत जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, कारोबार कोई भी हो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क का एलिमेंट होता है, इसीलिए वो कारोबार है। और इन्वेस्टमेंट में जो इस केस में जो रिस्क मोटे मोटे हो सकते हैं वो मैं आपके साथ रख देता हूँ। ऑलिव की जो प्रोडक्शन है ना, जो ऑर्चर्ड है, उसमें कुछ मौसमी और कुछ बाकी अवामिल जो हैं वो हमेशा कुदरत के इसमें दरपेश हैं। एक रिस्क फैक्टर ये होता है। अभी ये रिस्क बहुत हद तक कम हो गया है कि आपको अच्छे पौधे अवेलेबल ना हो या आपको अच्छी निगहदाश के लिए वो टेक्नोलॉजी और इस पर एक्सपर्टीज अवेलेबल ना हो, ये सारी अब ये रिस्क काफी हद तक कम हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं इन्वेस्टमेंट में तो आपको शुरू में जाहिर है, अगर आप इस वक्त आपके पास जमीन नहीं है तो आप जमीन खरीदेंगे और इसके लिए तो उसके मराहल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छे तरीके से करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो कुछ रिस्की अवामिल इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जनरली पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी होता है तो ये इसको हम ऑलिव से स्पेसिफिक रिस्क नहीं कह सकते। अलबत्ता जो बाकी आपने बात की है, बाकी जो इसमें रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में रिस्क, देखिए एक जो रिस्क आपने जिक्र किया है, बिल्कुल अगर आपके पास ऑयल, आपके पास बहुत ज्यादा लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और आगे से इसकी कन्वर्जन या वैल्यूएशन के यूनिट वक्त पे नहीं लगते और उसकी खपत साथ साथ जो है उसको होती नहीं है, तो जाहिर है जो प्रोड्यूसर है उसके लिए एक रिस्क है, और ये दुनिया भर में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के हवाले से होता है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो पिछले 2-3 सालों में कम से कम ट्रेंड है, हमारा ये ख्याल था कि अब क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई है तो आगे खपत में डिप आएगी, लोगों को पता नहीं, और इसकी जो जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया उनके फल की कीमत गिरेगी, जो कि पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी प्राइस में उतार कम है। तो इसका जो एक इंडिकेशन है वो ये है कि ये रिस्क जो है वो फिलहाल जो है वो साथ साथ मिटिगेट हो रहा है, क्योंकि
इतफाक से बहुत सारी जो अवेयरनेस के फैक्टर्स है उसकी वजह से साथ साथ इन्वेस्टमेंट आ रही है और खरीदार भी पैदा होते जा रहे हैं, और वो दोनों तरह से ऑयल के हवाले से भी और टेबल प्रोडक्ट के हवाले से भी। तो ये रिस्क जो है वो साथ साथ मिटिगेट भी हो रहा है, और जिस तरीके से अवेयरनेस हो रही है, ख्याल ये है कि न सिर्फ ये रिस्क नहीं रहेगा बल्कि मजीद अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है। क्योंकि जैसे आप देखिए ना, जब मार्केट बढ़ती है ना, किसी चीज में साइज बढ़ता है तो प्रोड्यूस करने वाले भी ज्यादा हो गए और लेने वाले भी ज्यादा हो गए, तो एक्चुअली वो स्टेबल मार्केट की तरफ हो जाता है, वो रिस्क जो है वो कम होता जाता है। तो ये हमारी एक इसमें इंडिकेशन है या इसमें सोच है, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी पिछले 2 साल का जो तजर्बा है वो तो यही बताता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और देखिए दूसरे अवामिल भी हैं इंटरनेशनली, फहीम साहब ने लास्ट टाइम जिक्र किया था, अगर आप इंटरनेशनल ऑलिव का सीन देखें ना, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उसमें प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, वो कम हो रही है, उसमें हायर लेबर कॉस्ट और कुछ और अवामिल भी है। जैसे मैं जाती तौर पर दुनिया के एक दो मुल्कों के बारे में मुझे ये पता है कि वहां पे जो उनके पुराने ऑर्चर्ड हैं वो उसमें कुछ डिजीज के भी मामलात हैं, कुछ और भी मामलात हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन मजीद बढ़ा ही नहीं सकेंगे। तो हम जैसी कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, जहाँ पे पहले ये पोटेंशियल मटीरियलाइज नहीं हो रहा था, जैसे ही होना शुरू हो रहा है, तो हमें एक कुदरत की तरफ से भी इसमें मदद है कि इंटरनेशनल कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, तो आपके पास एक गुंजाइश पैदा हो रही है कि आप जितना जितना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं उतना उतना वो उसके लिए मार्केट जो है वो अवेलेबल है, और वो उसमें प्रॉस्पेक्ट ये है कि वो एक्सपेंड करे। तो ये रिस्क जो है, ये मार्केट रिस्क जिसको हम कहते हैं, ये मार्केट रिस्क जो है ना, फिलहाल ये मिटिगेट होता जा रहा है, बाकी ये न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। बाकी देखिए रिस्क फैक्टर जो होता है ना, हर कारोबार के हवाले से बाबर ये होता है कि आप जिस कारोबार की जो बुनियादी फाइनेंशियल और टेक्निकल जरूरत है और ह्यूमन रिसोर्स की जो जरूरत है वो आप अच्छे तरीके से पूरे करें, यानी इसमें स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है, उसमें अच्छे जो कारोबार को मैनेज करने वाले लोग हैं वो हों, तो ये वाली चीज जो है ये ऑनगोइंग है। और जिस अच्छा तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरीके से अदारे इस पे काम कर रहे हैं, इसको बड़ी तेजी से ऑलिव के लिए जो है ना वो कम से कम ओवरकम किया जा रहा है। अच्छा मैं असद साहब, ये टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया, फहीम साहब इसी की याद दहानी करवाने आए हैं, तो मैं आपसे मेरी तरफ से ये लास्ट एक कमेंट है, क्वेश्चन है, इस पे अगर आप क्लोज कर दें, फहीम साहब इस पे क्लोज कर दें, तो आई एम ओके विद इट। वो ये है कि बस एक फाइनल कमेंट दे दीजिए कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप कोई मशवरा, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो क्या होगी। मेरी तरफ से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओवर टू फहीम साहब एंड असद साहब। ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया। देखें, जो ऐसी जनरल एडवाइस तो जो है वो मेरा जो अपनी सोच है या जो मैं देखता हूँ, मैं उस पे तो कमेंट कर सकता हूँ कि देखें पाकिस्तान में और खास तौर पे ऑलिव में, जिस तरह हमने इतनी सारी बात की है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसको पूरा करने के लिए जो है अगर कोई आना चाहे तो वो बिल्कुल इस इरादे के साथ जब आए तो इसमें कामयाबी के बहुत सारे जो हैं वो मुझे इम्कानात और इसके नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बात जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हो या लोकल इन्वेस्टर हो, ये दोनों पे ही आती है कि ये कारोबार ऐसा है कि इसको ये थोड़ा सा इसको डेवलप करने के लिए जो है आपको टाइम और हौसला और एफर्ट चाहिए। तो वो अगर आप लेके आए साथ तो और फिर इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट जो है वो इसमें है, और ये अब सामने नजर आ रहा है। सही। अच्छा, उसमें मैं बिल्कुल असद भाई की बात को बैक ही करूंगा। उसकी 2-3 रीजन है। एक तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में दुनिया जहान का ऑयल इंपोर्ट होता है। मेरे ख्याल में ऑलिव ऑयल जो दुनिया में महंगा तीन ऑयल है, और अगर पाकिस्तान अपने ही मुल्क में उसकी जितनी ज्यादा बढ़ाता रहेगा, जो भी आपने कहा ना कि डिमांड मैच हो रही है, खत्म नहीं हो रही, उसकी सिर्फ यही वजह है कि अगर पाकिस्तान बाहर से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे और अपने ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करे, तो वो सारे जो हमारे पाकिस्तान में हेल्थ के मसाइल हैं, जो कुकिंग ऑयल है ये सबसे बड़ा डेवल है आपकी ईटिंग में, जो आपको बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करता है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जी आप एशियन लोग ऑयल बहुत इस्तेमाल करते हैं, मसाले बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑयल भी इतना हेल्थी नहीं होता,
और आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएं वो कहते हैं कि आप सिर्फ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मार्केट तो अभी बहुत बड़ी है। अगर पाकिस्तान, अगर कोई भी बंदा इवन यहाँ से भी जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पाकिस्तान में ही खपत मिल जाएगी, और अगर उसने ज्यादा पैसे कमाने हैं क्योंकि बाहर उसकी डिमांड ज्यादा है, प्राइस अच्छी है, तो वो सोने पे सुहागे वाला काम हो सकता है। सिर्फ इस फील्ड में घुसने की बात है, लर्न करने की बात है, लगाने की। आपके साथ जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ एरियाज, मेरा एक क्वेश्चन था कि कौन से एरियाज में लोगों को जाना चाहिए, वो हम बेशक आगे कहीं कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलिव के ऊपर थोड़ा सा प्रोग्राम कहीं कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी मुझे लगता है टच करने वाली हैं। सो सेइंग दैट के बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान में लोगों के पास अवेयरनेस भी आ रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट को ओवरसीज लोगों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओवरसीज लोगों को अच्छा प्रॉफिट चाहिए। सो ये सारी चीजें जो सी हैं वो बिल्कुल एक मेजर फैक्टर है, और इसमें बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऑलिव इसलिए मैं ज्यादा जोर देता हूँ कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट। जितने भी इंग्लिश लोग हैं, हालांकि ऑलिव क्योंकि यहाँ पे महंगा है, वो फिर भी कोशिश करते हैं कि हेल्थी खाना ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करें, उनकी डिशेज महंगी हो जाती है लेकिन वो ऑलिव को इस्तेमाल करें। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा जबरदस्त। असद भाई, अब मैं आप दोनों पे छोड़ूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने ऑलिव की और चीजों को, जैसे आपने कहा कि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे जेन में है कहीं इनके ऊपर थोड़ा सा कोई स्टडी वर्क, कि कैसे कोई बंदा कैसे आके करता है, कहाँ पे ज्यादा ऑलिव मौजूद है, पंजाब में कहाँ मौजूद है, उधर पटवार के इलाके में कहाँ मौजूद है, या और सिंध में कहाँ मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे सेटल हैं, तो अगर उनको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और ऑब्वियसली अदारे हैं, वैसे इस तरह के प्रोग्राम हमें ज्यादा करने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि आपको कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और दोबारा कहूँगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त नौजवान नसल है उनको इन फील्ड में जाना चाहिए, इसमें उनकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने कहा कि ऑलिव ट्री जो से हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, इनिशली उसकी प्रोडक्ट आपको 200-250 साल तक मिलती रहेगी, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी, और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए भी, और सब पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। सो बारह मेरी बात भी लंबी होगी, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर आगे हम प्रोग्राम करेंगे। असद भाई ने बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी, इनकी एक्सपर्टीज तो और भी बहुत सारी फील्ड में है, हम उधर भी किसी दिन जाएंगे तो, लेकिन यह है कि इनफ इनको हमने तंग किया है, तो अब इनके ऊपर छोड़ेंगे कि कब इनकी अवेलेबिलिटी है। तो बाबर आपने कुछ कहना तो बस हम कंक्लूड ही है मेरी तरफ से, इजाजत ले लें अपने व्यू से, तो ठीक है, हम बड़े इंफॉर्मेटिव और अच्छे प्रोग्राम, ठीक है। बाल इन द एंड मैं यही कहूंगा, सारे देखने वालों को देखते रहें, एक्सपर्ट ओपिनियन माशाल्लाह, बड़े बड़े जबरदस्त लोग आप यहाँ पे बैठते हैं और आके आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि आप जाओ उधर प्रॉपर्टी खरीद लो तो वो दो दिन के बाद वो पता नहीं है, आज करोड़ की खरीदोगे तो कल को 2 करोड़ की हो जाएगी, एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज। सो इसको ध्यान दीजिए और देखते रहिए नया दिन टीवी। थैंक यू।